उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वात्सल्य परिसर में महिला कुटीर उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल के संयोजन में महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया गया जहां उन्होंने अपने निर्मित उत्पादों के स्टॉल्स लगाए। वहां कई सारी खाने पीने की चीजें थी और करीब 80 स्टॉल पर देर शाम तक खरीदारी भी हुई। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर शिखा दरबारी ने फीता काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। डॉक्टर शिखा ने कहा, महिला समन्वय की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी के जरिए ऐसी महिलाओं को एक मंच मिलता है जो खुद से निर्मित उत्पादों की बिक्री के साथ साथ ब्रांडिंग भी कर सकती हैं। आयोजक डॉक्टर कीर्तिका ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की लगातार पहल कर रहे हैं। इसी क्रम में ये प्रदर्शनी कहीं न कहीं महिलाओं के लिए हितकारी होगी। खास बात यह है कि ये स्टॉल लगाने के लिए महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लिया गया है। कानाफूसी टिकिया और चुगली चाय की डिमांड यहाँ लगी प्रदर्शनी के सभी स्टॉल्स की अपनी एक अलग खूबी रही। सिविल लाइन्स के चाट बकैती स्टॉल पर चाट और फुल्की खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। इस स्टॉल पर कानाफूसी टिकिया और चुगली चाय की डिमांड सबसे ज्यादा रही। यहाँ शिखा खन्ना बड़े चाव से लोगों को स्पेशल डिश उपलब्ध कराने में जुटी रही। सदगुरु स्वयं सहायता समूह के स्टॉल पर महिलाओं द्वारा निर्मित अचार भी खूब पसंद किया गया। हुनर नाम से लगे स्टॉल पर महिलाओं ने हियरिंग आदि की खरीदारी की। इस प्रदर्शनी में वर्षा शाक्य के स्टॉल पर गजब की कलाकारी देखने को मिली। वर्षा ने अपने हाथों से सुंदर तस्वीरों को उकेरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई गई पेंटिंग को सभी ने सराहा। यहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल, भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर शैलेश पांडे, व्यापारी नेता लालू मित्तल, वंदना सिंह, प्रिया कैथवास, सूर्यकांत त्रिपाठी आदि रहे। के उद्देश्य हमारा यही है कि जो महिलाएं स्टॉल नहीं लगा पाती हैं पेमेंट दे करके, या जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, एक एनजीओ भी नहीं है जिनके पास, लेकिन वो अपने घर में सामान बनाती हैं आजीविका के लिए, तो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कि वो अपना सामान यहाँ पर जो है उत्पाद अपना दिखाएं। और जो बहनें जिन हमारे सोशल कॉन्टेक्ट से हैं और जो समाज के लोग हैं उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कि वो उनके उत्पाद को अपना खरीदें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खरीदें और उनको अच्छा लगता है तो वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लें और उनसे उनके घर में जो है वो बनवाएं, जिससे कि उनको भी आजीविका मिले और वो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। आप इसके लिए क्या कर रही हैं, जो महिलाओं को किस तरह के रोजगार का अवसर आप प्रदान करेंगे? देखिए, महिलाओं को रोजगार के अवसर के लिए केवल एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है क्योंकि महिलाएं अपने आप में बहुत सक्षम होती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। घर की परिस्थितियां उन लोगों की बहुत कभी कभी कुछ लोगों की ठीक नहीं होती है कि उनको मार्केट मिल सके, या वो मार्केट में कभी कभी शर्म के वश नहीं जा पाती हैं कि हम अपना सामान को कैसे बाहर उत्पाद में बेच सकें, तो हम उनकी सहायता करते हैं कि हम उनका सामान लेकर के उनको मार्केट में बेचते हैं और उसके बाद जो मिलता है वो उनको हम देते हैं।